अबे 10 बज गया, चलो क्लास शेड्यूल कर देता हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन सी वाली का गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया? क्या यार, सर को भी चैन नहीं है, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस। मोदी जी, ऑनलाइन क्लास में भी लॉकडाउन लगा दो प्लीज। अच्छा अबे यार, इसको भी अभी क्लास देनी थी। चलो ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको क्या पता चलेगा कि कहाँ हूँ। दोनों प्रेशर साथ में, अब इसका समाधान करूं या इसका, जो झेल नहीं सकता उसी कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बग्गा? मैं तो ठीक हूँ, तू अपने बता। क्या? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? पहले क्या बोला था? यही सर, जो भी बोला। आपने क्या सुना? नहीं, मैंने तो शायद कुछ और सुना। सर वो नेटवर्क इशू है ना, शायद इसीलिए। तुम कैसे हो विक्की? नंगा हूँ। क्या? चंगा हूँ सर, आप कैसे हो? अच्छा चंगा बोले थे? मैं भी चंगा हूँ। तुम भी बता दो कैसे हो खली? सर खलील। अरे जो भी हो, खली खलील कैसे हो? बस सर आशीर्वाद है मम्मी पापा का। सब वीडियो ऑन करो। क्यों करूं? क्या? अरे सर ऑन कब करूं, बस यही सोच रहा था मैं, और अभी आपने बोल दिया ऑन करने के लिए। अरे ये क्या कर रहे हो, बंद करो कैमरा। सर आप ही ने तो बोला कि ऑन करो कैमरा। अरे तो बोलना चाहिए ना कि चेंज कर रहे हो। अरे नहीं सर, अभी तो एकदम फ्रेश पैंट पहन रहा था, चेंज तो एक हफ्ते बाद करूंगा। अरे वो चेंज नहीं, छोड़ो। वाह, ये होते हैं स्टूडेंट, पूरे रेडी हैं क्लास के लिए। एक मिनट सर, हो गया, बस अब चेंज कर लूं। अरे ये क्या पहन लिया? अरे सर वो पासपोर्ट साइज पिक चाहिए थी ना, पापा ने मांगी थी इसलिए पहना था, वरना ऑनलाइन क्लास में कोई पागल ही होगा जो इतना तैयार होके आएगा। अच्छा ये सब छोड़े, एक आईएमपी नोटिस है। बक है? मेरा मतलब है, बोलिए सर। वो शायद नेटवर्क इशू की वजह से आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया सर। हाँ तो नोटिस ये है कि आयुष मैम ही ज्वाइन करेंगी, उनको कुछ बताना है। वाह सर, पहली बार कुछ अच्छी खबर सुनाई है। क्या बोला सर? उसके बोलने का मतलब है अच्छी बात है, इतने दिनों बाद देख लेंगे मैम। सर वो खलील का मतलब है कि मैम का भी हाल चाल पूछ लेंगे सर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाय हाय। हेलो सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ मैम, बस थोड़े दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो गया था। तो जिंदा कैसे है तू? क्या सर, मेरा मतलब है आपने बताया नहीं आपको कोविड हो गया था। भगवान का शुक्र है जिंदा, आपको कुछ नहीं हुआ सर? हाँ वो तो मैं 10 से 14 दिन क्वारंटाइन था और अपनी मेडिसिन टाइम पर लेता था और हेल्दी खाता था, इससे जल्दी ठीक हो गया। ग्रेट सर, आप ठीक है। मैंने भी ये बताने के लिए ज्वाइन किया है कि मैं अभी 1 मंथ तक क्लास नहीं ले पाऊंगी। मैम क्यों, क्या हुआ? मैम ऐसा मत बोलिए, नहीं तो आपके बिना हम सर को कैसे झेलेंगे। क्या बोला? अबे तू चुप। सर मेरे बोलने का मतलब है कि मैम को बताने तो दीजिए कि हुआ क्या। वो शायद नेटवर्क इशू की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी सर। मैम को जाने दे, फिर तेरे नेटवर्क का टावर सीधा करता हूँ।
पैर फ्रैक्चर हो गया है एंड आई एम इन लॉट ऑफ पेन, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। ओ माय गॉड, या अल्लाह। हाय रब्बा। मैम आप ठीक तो है ना? मैम आपको कुछ भी चाहिए आप बस हमको बोलना, रात दिन कभी भी। हाँ मैं तो आपके डंडे भी खा लूंगा पुलिस के। क्या? मेरा मतलब कि बेटा तुम बाहर कैसे जाओगे, पुलिस खड़ी है डंडा लेके। सर मैम के लिए जान भी दे देंगे लेकिन जो मांगेंगी वो ला के देंगे। यस मैम। हाउ स्वीट एंड हेल्पफुल माय स्टूडेंट्स आर। वाह बेटा, मेरे लिए भी जान दे दोगे? नहीं, तेरी जान ले लेगी। नहीं सर, वो एक ही जान है ना, तो किस किस को देंगे। हाँ सालो, मैम को जाने दो, ऐसा सुनाऊंगा कि कान से खून निकलने लगेगा। वो एक्चुअली मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया। मैम गई क्या? हाँ भाई, चलो हम भी चलते हैं फिर। कहाँ बेटा कहाँ, क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बोल रहे थे बेटा, रात में भी जाओगे? हाँ रुक बेटा, तेरे को देता हूँ असाइनमेंट, रात भर बैठ कर बनाना तो भी पूरा नहीं होगा। अरे नहीं सर प्लीज। और तू बेटा, मैम आप ठीक हो तो कभी मेरे से तो नहीं पूछा, सर आप ठीक हो कि नहीं? सर आपकी वाइफ तो है ना आपका ख्याल रखने के लिए। वो क्या मेरा ख्याल रखेगी, पूरे घर का ख्याल तो मैं रखता हूँ, वो बस टीवी के सामने बैठकर ठूसती रहती है। और तू बेटा मेरी जान ले लेगा? तू आ बेटा कॉलेज वापस, तेरे को भी जूनियर के सामने मुजरा ना कराया ना तो मेरा नाम भी कटप्पा लाल तिवारी नहीं। नो सर, सॉरी सर। क्या बोल रहे थे मैम, आप ठीक तो हो, अपना ख्याल रखो। अबे कभी खुद कुछ किए? अपनी क्लास तो दूसरों से करवाती है, वरना क्लास में गूगल से पढ़ाती है, डीन की वजह से तो जॉब मिल गई, वरना इसको तो कोई नर्सरी की टीचर ना रखे। अच्छा, मुझे ये जॉब डीन के वजह से मिली है और मुझे कोई नर्सरी का टीचर भी ना रखे। अब आप देखिए आपको कोई कॉलेज में रखता है या नहीं। मैं अभी डीन सर को कॉल करती हूँ। अरे नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही बस। आयुषी मैम, आयुषी मैम, आयुषी। मास्टर जी क्या हो रहा है? हम तुमको कहीं घर में तनिक झाड़ू लगा दो, गंदगी पड़ी है, हम भी जाके अपना सीरियल देख ले। सास भी कभी बहू थी, आज बहू नागिन बनने वाली है, लेकिन तुम हमको कहा कहे नहीं, हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है। ये तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आयुषी मैडम के चढ़ादस्ती चल रही है। आज तुमको बता दे रहे मास्टर जी, अगर तुम घर में झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करे ना, तुमको खाना नहीं देंगे हम। आयुषी मैम को कुछ बोलना था इसलिए वो यहाँ पे आई थी, पूछ लो बच्चों से। सर हमने तो अभी ज्वाइन किया है। आयुषी मैम तो पहले से ही थी। यस सर, आप तो कुछ बोल रहे थे ना मैम को कि जान दे दूंगा पुलिस के, डंडे खा लूंगा, ऐसा कुछ? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अरे सुनो तो। अरे नहीं। अब तो सर की क्लास भी होगी या नहीं पता नहीं भाई, अब क्या करें अपन। चलो पबजी खेलते हैं।